सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। आपका नाम क्या है? दिनेश कुमार। क्या घटना हुई है? कौन से गांव से हैं? इटली आवाज है। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि मेरी पत्नी नल पे पानी भर रही थी, है? तो वहाँ भगवान सिंह सन ऑफ हरिदास और बीरपाल सन ऑफ दिल्लीपत और सोचान सन ऑफ भगवान सिंह, ये तीनों लोग आए, गाली देने लगे मेरे नाम लेकर, मेरे पिताजी का नाम लेकर। मेरी पत्नी ने आकर मुझे बताया कि वो गाली दे रही हो तो मैं जान से मारने की धमकी दे रही। तो मैंने उनसे जाकर बात की, मैंने कि भाई गाली क्यों दे रही, कहें तो जी जान से मारना, रुक जाओ। तो मैं अपने पहले वाले मकान से अपने दूसरे वाले मकान में गया तो वहाँ पर ये तीनों हथियारों से लैस होकर, एक 12 बोर की बंदूक लेकर और दो तमंचे 315 लेकर जे आए और ताबड़तोड़ इन्हें गोलियाँ बरसाना शुरू कर दिया, कम से कम 10-20 फार मारे। और इसके बाद मैं अपने अंदर चला गया, जैसे पार करने मेरे बच्चे अच्छे सब लोग अंदर चले गए तो मेरी जान बच गई। मैंने 100 नंबर को डायल किया तो इमरजेंसी कॉल बता रही थी। काफ़ी देर बाद फिर मैंने थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया तो थाना अध्यक्ष कह रहे हम आ रहे हैं आप रुकना। तो थाना अध्यक्ष कम से कम 15-20 मिनट बाद पहुँची वहाँ तक, तो वहाँ जब पहुँची तो वो लोग फरार हो गए, उन्हें कुछ नहीं मिला है। इसके बाद मैं जरिए गया तो जरिए में क्या है, मैं रिपोर्ट लिखाने गया था तो फिर से भी दोबारा गाली गलौज करने लगी अपने घर से, और मेरे जो मेरा परिवार का दादा का मकान है, दादा को गाली वाली देने लगे और फिर से मारने की धमकी दे रहे थे कि आप रिपोर्ट करने गए तो जान से मार देंगे, फलाना कर देंगे। तो इसके बाद हमने फिर एसओ साहब को कहा कि एसओ साहब, और फिर घर से बच्चों का फ़ोन आया और आप बात कर लीजिए, और फिर से वो आ गए। तो एसओ साहब कहने लगे 100 नंबर डाल करो, तो 100 नंबर फिर से डाल किया तो फिर वो लगा नहीं इमरजेंसी। हमने कहा आपके यहाँ हैं, आप हमारी जान की सुरक्षा करिए, हमारे बच्चों की सुरक्षा करिए। तो उन लोगों ने कहा 100 नंबर डाल करिए। अब जब नहीं सुना उनने तो मैंने कप्तान को फ़ोन लगा दिया, कप्तान साहब ने कहा कि ना, तो एसओ साहब को तुरंत उनने फ़ोन किया तो एसओ साहब फिर तुरंत निकल गए वहाँ से। तो एसओ साहब कह रहे थे आप बहुत नेतागिरी कर रहे हैं, आप कप्तान साहब को फ़ोन कर रहे हैं, आपको उल्टा कर देंगे, आपको देख लेंगे, आप यहाँ से चाहे लखनऊ तक जाए, आपको देखेंगे बाद में। बस इतने कहकर उसने वहाँ बीरपाल को अरेस्ट किया तमंचे के साथ। अभी दो लोग अभी भी फरार है, वो असलाह लेकर घूम रहे हैं हारों में। हमारी जान की सुरक्षा कीजिए, हम यही न्याय चाहते हैं और प्रशासन से हमारा यही कहना है। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुँच जाएँ।